चटपटे दही वड़े भी तैयार है, जरूर ट्राई करिए। ये देखिए कितना मजेदार ये लग रहा है। तो बिना दाल के हम दही वड़े बना रहे हैं, उसके लिए मैंने लिया है उड़द की दाल का आटा। ये देखिए कहीं भी किराने स्टोर पर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक ऐसा राज मैं आपको बताऊंगी कि आपको दाल को बिल्कुल फेंटना भी नहीं है और आपके दही वड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इस तरह से 2 कप से मैंने ये आटा लिया था, 1 ग्लास मेरा पानी पूरा लग गया है। अभी थोड़ा सा पानी मुझे और चाहिए, थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूंगी। तैयार कर लेना है जिस तरह से हम बेसन को भिगोते हैं, सेम उसी तरह से इसको हमें तैयार कर लेना। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको एक राज की बात, जिससे आपको दाल को फेंटना भी नहीं है और दही वड़े भी आपके बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो वो लिया है मैंने 1 ईनो। आज हम ईनो से दही वड़े बना रहे हैं। बस अब ईनो को मिक्स कर लेते हैं। सिर्फ ईनो को मिक्स किया है और दाल का कलर भी चेंज हो गया है, दाल बहुत हल्की भी हो गई है। बस अब इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए चुटकी भर काला नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच डाली हूँ भुना हुआ जीरे का पाउडर, दो के अंदर तक फ्लेवर आ जाता है इस तरीके से। तो बस इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मार्केट वाले अक्सर ये चीजें डालते हैं, इसीलिए उनके वड़ों में बहुत ज्यादा टेस्ट आता है। तो चलिए दिखा देती हूँ कि हमने फेंटा भी नहीं है दाल को, सिर्फ मिक्स करने में हमारी दाल कितनी सॉफ्ट हो गई है। पानी के अंदर इस तरह से हम डाल देंगे। ये देखिए ऊपर ये तैर रहा है, इसका मतलब दाल हमारी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो समझिए बैटर हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और हमने इसको फेंटा भी नहीं है। बस कढ़ाई रख दी है और तेल हमारा गर्म हो गया। तेल का बहुत ज्यादा तेज हमें गर्म नहीं करना। तो बस ये देखिए इस तरह से तेल के अंदर बबल आ रहे हैं, बस इतना ही तेल हमें गर्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना। गैस हमारा सिम है, वड़ों को हमें सिम आंच पर ही पकाना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहे। हम 1 मिनट के बाद पलट लेंगे। तो बस देखिए वड़े हो गए हैं हमारे हल्के गोल्डन, इसी तरह के हमें चाहिए। तो बस इतनी कम दाल से कितने सारे हमारे वड़े बन गए हैं और आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट और क्रिस्पी से हैं। तो बस अब मैंने लिया है हल्का गुनगुना सा पानी, हल्का गर्म मैंने लिया है। इसके अंदर 1 चम्मच डालूंगी काला नमक लिया है। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं वड़े। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 4-6 पुदीने की पत्तियां, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है इस तरीके से। तो अब मेरे पास ये कुछ वड़े बच गए हैं, तो चलिए बताती हूँ किस तरीके से हम स्टोर करेंगे। मैंने ली है 1 ज़िपलॉक पॉलोथीन, आप कोई भी व्हाइट पॉलोथीन या कोई भी ज़िपलॉक पॉलोथीन दे सकते हैं। अब इन वड़ों को मैं डाल दूंगी पॉलोथीन के अंदर, इसको हम लॉक करेंगे यहाँ से। और ये लीजिए हमारे वड़े स्टोर हो गए हैं, 15 दिन तक हम इनको बहुत आराम से खा सकते हैं। इस पॉलोथीन को हमें फ्रीजर के अंदर डालना है और बस फिर आपके वड़े बिल्कुल खराब नहीं हो। बस वड़ों को पानी में डले हुए हो गए हैं 1 घंटा और मैंने की है ये दही तैयार। दही में मैंने सिर्फ काला नमक डाला है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा वड़ा है और बस इसका इस तरह से हम हल्के से पानी निकाल देंगे ताकि ये टूटे ना, और इसको डाल देंगे दही के अंदर। वड़ों को मैंने दही में डाल दिया है। अब वड़ों को और चटपटा बनाने के लिए मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। तो बस वड़ों को अब थोड़ा सा चटपटा बना लेते हैं। हुए जीरे का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च और अब डालूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। अब डालूंगी थोड़ी सी हरी चटनी और अब डालूंगी मैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो बस फटाफट से और आसान तरीके से चटपट भी दही वड़ा हमारा तैयार है।